जापनीज़ लैंग्वेज सीखते हुए, जापनीज़ लैंग्वेज सीखने के बाद हम जॉब्स किस तरह से कर सकते हैं, ये मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती है कमेंट्स के थ्रू भी और फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं इन सभी क्वेश्चंस को कवर करना चाहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की सोची है, पहले मैं बताऊंगा बिगनर्स के बारे में, जो जापनीज़ लैंग्वेज को जिन्होंने अभी अभी शुरू करा है या फिर वो शुरू करने की सोच रहे हैं, जॉब्स को टारगेट लेके कि हम अपना करियर किस तरह से बनाएंगे, और सेकंड पार्ट होगा कि जो लोग ऑलरेडी जापनीज़ लैंग्वेज को सीख चुके हैं, चाहे उन्होंने बेसिक का N5 लेवल N4 लेवल क्लियर कर लिया है या फिर एक या डेढ़ साल उन्होंने जापनीज़ लैंग्वेज को सीख लिया है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से जॉब को टारगेट करके जापनीज़ लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए, और बिगनर्स को जो कि अभी जापनीज़ लैंग्वेज को स्टार्ट करके जापनीज़ लैंग्वेज में जॉब्स को लेना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, इस वीडियो के थ्रू मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है बिगनर्स के लिए, यानी कि हम अभी जापनीज़ लैंग्वेज हमने शुरू ही करी है, हमने हीरागाना काताकाना सीखना शुरू करा है, या फिर अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी है, एक या दो क्लासेज ही ली हैं, या फिर वो भी नहीं है, हम सोच रहे हैं हम कौन सी लैंग्वेज करें, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, जापनीज़ लैंग्वेज। तो देखिए ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि अगर मैं ये बताऊं कि जापनीज़ लैंग्वेज का ज़्यादा स्कोप है, जापान जो है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज के कंपैरिजन में जापनीज़ लैंग्वेज में ज़्यादा जॉब्स आती हैं, तो उस पॉइंट को ना कवर करके फिलहाल मैं फटाफट से इस पॉइंट पर आना चाहता हूँ कि अगर आपने जापनीज़ लैंग्वेज सीखने का ठान लिया है या फिर आपने जापनीज़ लैंग्वेज सीखनी शुरू ऑलरेडी कर दी है, तो आप किस तरह से जापनीज़ लैंग्वेज को यूज़ करके जॉब का कितने टाइम को टारगेट करके जॉब ले सकते हैं, मतलब अगर हम कहें कि एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल मुझे कितना टाइम लगेगा जापनीज़ लैंग्वेज सीखने में, जॉब के लेवल की जापनीज़ लैंग्वेज सीखने में, तो सबसे पहले इस पॉइंट से मैं शुरू करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले बिगनर्स की बात करते हैं, वो N5 लेवल N4 लेवल उसको टारगेट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता, इंस्टीट्यूट्स बताते ही नहीं है कि N5 क्या होता है, N4 क्या होता है, उनको बाद में जाके किसी फ्रेंड से पता चलता है कि JLPT जो होता है वो जॉब के लिए ज़रूरी होता है, और उसके बाद फिर वो JLPT जब अटेम्प्ट करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा लैंग्वेज को इस तरह से पूछा जाता है कि ऑडियो सेशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन सेशन होता है, वोकेबलरी अलग से पूछी जाती है। तो पहली बात तो JLPT के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए। JLPT क्या होता है ये आप नेट पर सर्च करिए, उसमें किस किस तरह के सेक्शंस होते हैं, सिर्फ JLPT डालेंगे गूगल में, आपको जो वेबसाइट दिखेगी वो आपको सब कुछ बताएगी कि किस तरह से सेक्शंस डिवाइड करके N5 से शुरू होता है और N1 तक लैंग्वेज का लेवल ख़त्म होता है। तो बिगनर्स को देखिए जॉब की रिक्वायरमेंट जो होती है, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे किसी की बात को सुने बिना, अगर आप Naukri.com, Monster.com, हिंदुस्तान टाइम, इन सब TimesJob.com इन सब को सर्च करेंगे तो आपको ओवरऑल इम्प्रेशन ये मिलेगा कि N2 लेवल हमें चाहिए अगर आप जॉब लेना चाहते हैं। अगर N2 लेवल नहीं मिले, जिनका नंबर बहुत कम होता है, तो आप N3 लेवल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अपना एक टारगेट बना के चलिए कि हमें कम से कम N3 लेवल तो क्लियर करना ही करना है, उसके बाद हमें जॉब सर्च करनी स्टार्ट करनी है। अब इसमें जो असली बात होती है मैं आपको बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो N4 लेवल पर, N4 क्लियर लेवल पर ही जॉब को ले लेते हैं, जॉब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको स्पोकन एबिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि वो लेवल, वो जो जॉब होती है वो स्पोकन एबिलिटीज़ की ज़्यादा होती हैं स्टार्टिंग में, जैसे इंटरप्रिटेशन जॉब कहें, फ्रीलांसिंग जॉब कहें, गाइडिंग कहें, या जो फ्रीलांस गाइड होते हैं उनकी जो जॉब होती है उसके अंदर स्पोकन एबिलिटीज़ का की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसमें बेसिक लेवल जो N5 लेवल होता है उसमें जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं उसी से काम चला के गाइड, टूर गाइड कर सकते हैं, या फिर बेसिक इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं जिसमें मशीन टेक्निकल लैंग्वेज को छोड़ दे तो बाकी सब, जैसे होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, शेड्यूल्स की बुकिंग, या जापनीज़ लैंग्वेज, जापनीज़ लोगों की जो मॉर्निंग मीटिंग होती है उसकी लैंग्वेज को ही N5 ही कवर कर लेता है, N4 ही कवर कर लेता है। तो बात यह है कि N4 JLPT के अकॉर्डिंग तो मेरा N4 क्लियर है, लेकिन स्पोकन एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं जो कि आप एक साल में कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेडली जापनीज़ लैंग्वेज को करते हैं। स्टार्टिंग में आप उतनी हाई लेवल सैलरी की जॉब को टारगेट ना करके आप लो लेवल सैलरी से शुरू, देखिए लो लेवल का मतलब इतना नहीं है कि 10-15 हज़ार की जॉब से ही आपको स्टार्ट करना होगा, मिनिमम 30,000-40,000 इससे स्टार्ट होता है, ये भी अच्छी सैलरी है बिगनर के तौर पर, फ्रेशर के तौर पर, लेकिन इसके लिए स्पोकन एबिलिटी बहुत होनी चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इस टारगेट को लेके अपना N5 N4 के हिसाब से, JLPT के हिसाब से भी पढ़ें, और साथ साथ जो बेसिक कॉन्वर्जेशनल सेंटेंसेज होते हैं उनको बार बार रिपीट करें। आपकी बुक्स में सेंटेंसेज की जितनी भी प्रैक्टिस दी होती है, ऑडियो जितने भी दिए होते हैं उसको अच्छी तरह से करें, वही चीज़ आपके जॉब में काम आती है, जो इंटरव्यू होता है या इंटरव्यू के बाद जो जॉब में कॉन्वर्जेशन होती है उसके अंदर काम आती है। अब बात करते हैं कि हमने N3 लेवल भी क्लियर कर लिया है और हम
जॉब को किस तरह से सर्च करें सीधा सीधा हाई लेवल जॉब के लिए। तो देखिए, जो फुल टाइम जॉब होती है उसमें एंट्री लेवल जितनी जो लैंग्वेज होती है उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, लेकिन इसका इंटरव्यू काफ़ी मुश्किल होगा। तो पहली बात तो आपको इंटरव्यू लेवल की इंटरव्यू की ट्रेनिंग अलग से होनी चाहिए, और एंट्री में जितने भी सेंटेंसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूट में हम अराउंड 800-1000 सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो सेंटेंसेज आपको कम से कम 4 बार अपने मुँह से बोलने आने चाहिए। इसमें कम से कम 3-4 महीने 5 महीने का टाइम लगता है। तो ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ एक JLPT के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेली मैं 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे पढ़ रहा हूँ। आप जॉब के लिए, उस जॉब के लिए जो कि आपके पूरे लाइफ टाइम करियर बना सकती है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। मैं आपको इसी तरह से मोटिवेट करना चाहता हूं कि जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि बड़े बड़े कोर्सेज करने के बाद 2-3-4 साल लगाने के बाद बहुत ही छोटी जॉब से लोग स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके वो अच्छी लेवल 50,000-60,000 के लेवल तक जाते हैं। वो काम आप पहले दिन से ही कर सकते हैं। आप 2-1.5 साल अगर अच्छी तरह से जापानीज लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं तो आप एंट्री लेवल और साथ साथ काइवा प्रैक्टिस को करते हैं अगर, तो आप इस जॉब, इस काम को, इस ऐसी जॉब को पहले दिन से ही ले सकते हैं। तो ये था बिगनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल कॉन्वर्जेशन के हिसाब से। जो भी चीज़ अगर आपने N5 कर रहे हैं तो वो चीज़ को बोलना भी सीखिए। सिर्फ पढ़ के पेपर क्लियर करना, या N4 की वोकेबलरी याद करके पेपर क्लियर करना, या फिर सीधा कांजी कांजी लिखते रहना आपको काम नहीं आएगा। आपको जॉब के लिए कॉन्वर्जेशनल प्रैक्टिस की जरूरत। देखिए, कॉन्वर्जेशन में भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि अलग से मैं काइवा कोर्स कर लूँगा तो मेरे को काइवा आ जाएगी। नहीं, काइवा कॉन्वर्जेशन जो होती है वो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने जो काइवा कहीं से, मान लीजिए कोई कोर्स कहीं से सीख रहे हैं या फिर आपने कोई कोर्स डाउनलोड करा है, तो उसमें भी वही सेंटेंसेस होंगे जो कि आपको ग्रामर सिखा रहे हैं N4 की, या फिर जो आपको ग्रामर सिखा रहे हैं N5 की या फिर N3 की, तो वो अलग नहीं है। आप उसको उसी के साथ कर सकते हैं। आपको JLPT में भी फायदा होगा और जॉब के इंटरव्यू के लिए भी फायदा होगा। चलिए बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी जापानीज लैंग्वेज को कंप्लीट कर चुके हैं, N3 लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, ये जो एडवांस लेवल के लिए जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं वो वही जो मैंने पिछले सेक्शन में बताया है, बिगनर्स के लिए कॉन्वर्जेशनल यानी कि इंटरव्यू की ट्रेनिंग की। अगर आपके पास N3 लेवल क्लियर है तो आप बहुत बहुत पास हैं। आप सिर्फ 2 या 3 दिन, या मैं कहूँगा सिर्फ 1 हफ्ते की प्रैक्टिस ही दूर है एक जॉब को लेने के लिए। अगर आपने, इवन आपके पास N3 नहीं भी है तो भी आप 1 हफ्ता दूर हैं जॉब लेने के लिए, अगर आपने N3 लेवल की पूरी पढ़ाई करी हुई है तो। देखिए, होता है कि रिक्वायरमेंट होती है कि N3 क्लियर है वही इंटरव्यू देने आए, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग इतने लोग होते ही नहीं हैं। जिन्होंने N2 क्लियर किया या N3 क्लियर किया है वो ऑलरेडी जॉब में लग चुके होते हैं। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट है कि आपने N3 क्लियर कर लिया है या फिर आपने N3 जितनी नॉलेज गेन कर ली है तो आप ऑलरेडी 1 हफ्ता दूर हैं जॉब से। कैसे? अब आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस और इंटरव्यू के साथ साथ थोड़े से वर्क रिलेटेड लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत होती है, जो कि आप कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो आपके ही कोर्स में वो चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.nihongomax.com, उसमें जितनी भी बिजनेस जापानीज लैंग्वेज दी हुई है वो सारी की सारी उसी जॉब को ही टारगेट करने के लिए बनाई गई है। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन, सेंटेंस एग्जाम्पल्स, उनकी प्रैक्टिस, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रोनंसिएशन सब कुछ दिया हुआ है। उसको भी करने में आपको मैक्सिमम 1 हफ्ता लगेगा अगर आप डेली उसके ऊपर जाके कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 1 हफ्ते में अगर आप अपने उस कॉन्वर्जेशन का मतलब ये नहीं कि अब सारी कॉन्वर्जेशन पूरी जापानीज मुझे बोलनी है, नहीं, आपको सिर्फ वो टारगेटेड लैंग्वेज वर्क की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मशीन में 100 ml ऑयल जाएगा तो ये स्टैंडर्ड सभी लोगों को प्लीज़ मीटिंग में बता दीजिए, तो ये एक तरह का टेक्निकल सेंटेंस है। ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल सकता है और आपको कहीं से भी आप ये छोटा मोटा मटेरियल अपने आप भी रेफर कर सकते हैं अपनी बुक्स में से या फिर इंटरनेट पर से। तो मेरे कहने का मतलब था 1 हफ्ते में अगर आप इंटरव्यू ट्रेनिंग कर लेते हैं और थोड़े बहुत वर्क रिलेटेड सेंटेंसेस को सीख लेते हैं तो आपको जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। याद रखिए हमेशा कि N3 लेवल रिक्वायरमेंट N2 लेवल रिक्वायरमेंट ही होती है हमेशा, लेकिन वो JLPT क्लियर करना अलग बात है। उतनी नॉलेज गेन करके इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेना, आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसमें मैंने किस तरह से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनके क्या क्या आंसर्स होते हैं, किस तरह से आपको आंसर्स देने हैं, कौन कौन से गलत आंसर होते हैं, वो भी मैंने सिखाया हुआ है। सिर्फ उन्हीं को आप याद कर लीजिए। तो इट्स ऑल अबाउट इंप्रेशन, आपका किस तरह से इंप्रेशन पड़ता है। और जॉब एक बार अगर आपको मिल गई तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो 1 महीने में आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा देते हैं कि आप, अब पता चल जाता है कि अब मुझे नेक्स्ट लेवल की अगर जॉब लेनी है, हाई सैलरी की जॉब लेनी है, तो पैरेलली मैं अपनी पढ़ाई को करते करते 3-4 महीने के अंदर ही इस लेवल को अचीव कर सकता हूं कि अब मैं हायर लेवल जॉब ले सकता हूं।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू गेट जॉब्स इन जैपनीज लैंग्वेज। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और भी रह गई हो या आपको पूछनी हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।